देश आज चाहे मंगल ग्रह पर पहुंच गया हो, लेकिन ग्रामीण और दूर दराज के अंचलों में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति जस की तस बनी हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं और सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि आज भी महिलाओं को सड़क के किनारे बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। मामला शहर से लगे ग्राम पंचायत आमेड़े का है, जहां एक महिला ने सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसूता की किस्मत अच्छी रही कि गर्भवती महिलाओं को गांव की महिलाओं का सहारा मिल गया और उन्होंने गांव के ही सामाजिक भवन में गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की। परिजनों का आरोप यह भी है कि सूचना के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। आपको बता दें कि आज हम 21वीं सदी के मुहाने पर खड़े होकर विकसित भारत की बात करते हैं, मगर इन सब के बीच शर्मनाक तो यह है कि आज भी सड़कों पर ही महिलाएं बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर उन्हें होना पड़ रहा है। यह घटना नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेड़ा की, जहां गर्भवती शाइना पति सतीश यादव उम्र 25 वर्ष ग्राम गर्रा मसीन टोला निवासी है, जो इन दिनों बगदरा में रहते और घूम घूम कर गर्मी के समय में कूलर पंखे बनाने का भी कार्य करते हैं। जहां 18 मई को शाइना को प्रसव पीड़ा हुई तो उनके परिजनों के द्वारा जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस को सुबह 8 बजे कॉल कर दिया गया, किंतु जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो शाइना अपने भाई राधे मरकाम और बहन प्रियंका मरकाम के साथ दो पहिया वाहन से जिला चिकित्सालय जाने निकल पड़े, किंतु जैसे ही वह बगदरा से अमेड़ा पहुंचे तो शाइना को अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद वह रोड किनारे ही बैठकर तड़पने लगी और उनके परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस को लगातार कॉल किया जा रहा था। घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची और प्रसव पीड़ा अधिक होने के कारण जब शाहिना तड़पने लगी तो अमेड़ा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उनकी यह स्थिति को देखकर कुछ महिलाओं के साथ वह उनके पास पहुंची और उसी स्थिति में शाहिना को प्रसव पीड़ा के साथ साथ शाहिना ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दे दिया। ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व ग्रामीण महिलाओं के द्वारा वहां से शाहिना को उठाकर वहीं बाजू के सामाजिक भवन में ले जाकर वहां उन्हें ठहराया गया। सभी ने उनकी स्थिति को देखते हुए गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं ग्रामीण महिला व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सूझबूझ से शाहिना के प्रसव के आगे की प्रक्रिया सामाजिक भवन में की गई और उन्होंने सड़क किनारे ही एक नन्ही बच्ची को जो जन्म दे दिया था। इस दौरान यहां सामाजिक भवन में काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई थी, जिसके देखकर आसपास के ग्रामीण व सरपंच सहित सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित हो गए। सभी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन 4 से 5 घंटे बीत जाने के बाद भी वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँची, जिसकी सूचना मीडिया को भी दी गई थी और ग्रामीणों ने यही मांग की कि भले ही सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे और योजनाएँ चलाई जा रही हो, लेकिन वह ग्रामीण क्षेत्रों में और आमजन के लिए आज भी उनकी योजनाएं शून्य ही साबित हो रही है। ये अमेड़ा में फिर वो तैयार हुए और जेस्ट वहाँ से ला रहे थे यहाँ पे और ये भवन के पास है कि उसका पेट दर्द हो रहा था, वैसे ही पेट दर्द हुआ तो बैठा है, बाकी गांव के आदमी आ गए और डॉक्टर साहब भी आ गए तो उसका नॉर्मल ही हुआ। अच्छा, कौन लगती है आपकी? भतीजी ने। क्या नाम है इनका? सही नाम कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? मैं गर्रा रहता हूँ, मसीन टोला रहता हूँ। ये कहाँ रहती है जो लेडीज हैं? ये भी रहते हैं गर्रा मसीन टोला। अच्छा, तो आपने जो शासन की जैसे जो शासन की एम्बुलेंस चलती जननी हो गया, इनको फोन नहीं किए थे क्या आप लोग? हाँ, कितने नहीं आ रहे थे, टाइम था उनके यहाँ पेट दर्द था, इसलिए अपन लोग ऐसा सोचे थे कि अभी इतना पेट दर्द नहीं हो रहा है, ले जा लेंगे करके वैसे स्थिति में, बाकी इतना नहीं सोचे थे कि रास्ते में और ज्यादा दर्द हो जाएंगे। तो डिले, मैं आंगनबाड़ी में बैठी थी सर जी, और वो जो गाड़ी से गुजर रहे थे आंगनबाड़ी भवन और सामुदायिक भवन के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्हें आए आंगनबाड़ी में और मुझे बुलाए कि हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई हमारी भाभी की, तो मैं दौड़ते हुए आई और आई, जैसे आई वैसे ही बच्चा सामने आ चुका था, तो आई और फिर मैंने नया ब्लेड मंगवाई और डॉक्टर साहब हमारे गांव में हैं उनको फोन करवाई, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और उनके आने के बाद में आवल गिरा बच्चे का और आवल गिरने के बाद में फिर बच्चे का नाल काटे और नाल काटने के बाद मैंने बच्चे को पकड़ी, आंगनबाड़ी से चादर मंगाई, चादर में बच्चे को पकड़ी और उसके बाद में फिर आंगनबाड़ी में ले गई, वजन करी बच्चे का, उसके बाद में माँ के पास लाई और चम्मच में दूध निकाली माँ के स्तन से और बच्चे को दूध पिलाई, तुरंत स्तनपान वाला तो दूध पिलाई, उसके बाद में फिर महिला को पिलाई, महिला की स्थिति अच्छी है, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन वगैरह दे दिया, अभी बहुत स्वस्थ है। सर पहले तो मैंने वहाँ जननी एक्सप्रेस में फोन लगाया तो उनने बोले कि कहाँ की महिला है, उनका नाम बताओ, अता पता बता। सर जी मैं बोली मेरे पास को तो पता नहीं है कहाँ की महिला है, तो मैं आपको फोन करूँगी, आप गाड़ी ला लो, महिला परेशानी में, गाड़ी लाओ और महिला को ले जाओ।
तो वो बार बार फोन कर रहे थे कि कहाँ के रहने वाले हैं, उनका आता पता बता, उसके बाद हम लाएंगे गाड़ी, हम कहाँ गाड़ी ला लेंगे। तो मैं तो बता रही हूँ सर जी, मुझे अमेड़ा में भवन में, आंगनबाड़ी के भवन के पास में और सामुदायिक भवन के पास में डिलीवरी हो चुकी है, महिला बहुत परेशान है, इसलिए गाड़ी ला लो तुरंत ले जा लेंगे, तो वहाँ पूरी सुविधा हो जाएगी नहा लावन सब सब कुछ की। तो गाड़ी अभी तक नहीं आई आ पाई, और डॉक्टर साहब हमारे गाँव में बेचारे बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। अभी तक आई क्या फिर घटना? नहीं, अभी तक गाड़ी नहीं आई है, मैंने दो बार फोन कर चुकी लेकिन गाड़ी नहीं आई हॉस्पिटल से। अच्छा, आंगनबाड़ी अभी जच्चा बच्चा दोनों? हाँ, जच्चा बच्चा स्वस्थ है, तुरंत स्तनपान कराया मैंने बच्चे को और माँ को, पेट बुला के डॉक्टर साहब ने पेट दिला दिए और पूरा सेवा परवरिश पूरा करवाया। आंगनबाड़ी से चादर मंगाई, बच्चे को लपेट के चादर में रखी हूँ और उनके पास जो कपड़े थे उससे लंगो टोकरे लगवा के पूरी महिला की सेवा। क्या बेटा हुआ है कि बेटी? बेटी है, उसका नाम राधा रखे हैं। और राधा स्वामी सत्संग होता है यहाँ, उस सत्संग के बिल्कुल साइड में, जो कि सदगुरु हमारे सहारा है बच्ची के, जो कि बच्ची का और माँ का पूरा सदगुरु ने ध्यान रखे। यहाँ पे तो स्वास्थ्य केंद्र आई है, मैंने एक साल पूर्व ही शासन को लेटर लिखा है, दो आशा कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी स्थापित, दो आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए और एक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई इस पर कोई विचार किया नहीं गया। मैं एक दो बार गया हूँ लामटा भी और महिला बाल विकास, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। ये महिला जो जिनकी डिलीवरी भी रोड किनारे हुई है, ये मेरे हिसाब से बगधा में रहते हैं, मतलब वहाँ भी ऐसी परमानेंट नहीं अस्थायी रहने वाले घर राज्य बताए जा रहे हैं मुस्लिम टोला के। यहाँ से वो बालाघाट ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मतलब इलाज करवाने के लिए जा रहे थे और उस दौरान अचानक उनका पेट दर्द हुआ और रोड किनारे डिले बच्चे को जन्म दे दिए उन्होंने। ये हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए एक महिला की, एक कहना चाहिए उनकी एक लज्जा भंग हुई रोड किनारे डिलीवरी होने से। मुझे लगता है कि शासन को यहाँ भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र देना चाहिए। मैं शासन से यही बोलूंगा कि जिस तरह से वो सरकार जिस तरह से नारे और ढिंढोरा पीटती है और मीडियाओं में देती है कि हम ये ऐसा करवाते हैं डिजिटल इंडिया तमाम प्रकार की चीजें, लगता है मुझे वो जमीन पे नहीं है। वास्तविक स्थिति में गांव में आप और ट्राइबल में जाएंगे तो बहुत तो बुरी हालत है। ये तो शहर से लगा हुआ आपकी पंचायत से लगा, लेकिन फिर भी यहाँ ये स्थिति है, तो आप अंदर जाएंगे तो कैसी स्थिति पाएंगे? तो ये खुद दिख रहा है आप लोगों के समक्ष कि ये रोड पे डिलीवरी हो रही है आज के युग में, आज के समय में, तो बहुत ही दुखदायी बात है। हम शासन से निवेदन भी करते हैं और वक्त आने पे मांग भी करेंगे कि भाई वो यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र, और ये 10 गांव का सेंटर है, यहाँ से 10 गांव लगा हुआ है जो यहाँ से ही होके वो लोग जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ अगर एक उप स्वास्थ्य केंद्र एक डॉक्टर बैठे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा और लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी।